हे फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ मॉनसून स्पेशल किचन टिप्स, जो कि आजकल बरसात है, मॉनसून चल रहा है तो बहुत ही यूज़फुल हैं। फर्स्ट मैं बिस्किट के ट्रिक्स आपको दे रही हूँ। बिस्किट्स जनरली क्या होते हैं, बरसात के मौसम में सील जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, बेकार हो जाती है बिस्किट। तो मॉनसून में बिस्किट्स को सेफ रखने का बेस्ट तरीका है, आप एक ब्रेड का पीस लें और उसको सारी बिस्किट्स को रखने के बाद ऊपर एकदम ब्रेड के पीसेस के टुकड़े रख दें और लिड को एयर टाइट कंटेनर रख के अच्छे से लिड को बंद कर दें। इससे क्या होता है, जो भी मॉइस्चर होता है वो ब्रेड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा ब्रेड मॉइस्चर सोख लेता है, तो आपकी जो बिस्किट है वो क्रिस्पी एंड टेस्टी बनी रहती है। तो ये देखिए, लिड बंद हो गया। ये बहुत ही परफेक्ट वे है बिस्किट को क्रिस्पी बनाए रखने का। नेक्स्ट, दाल दाल आप लेते हैं तो कोई भी दाल हो, अक्सर देखते हैं जाले पड़ जाते हैं या बरसात में ख़राब होने लगती है, तो इसको बचाने का सबसे बेटर वे है, इस तरीके से आप रेड चिलीज लें, सूखे लाल मिर्चे, और दाल में डाल करके अच्छे से ढक्कन लगा दें एयर टाइट कंटेनर में, तो इससे आपकी दाल बहुत लंबे टाइम तक सेफ बनी रहेगी, बिना किसी जाले, बिना किसी गंदगी के। ये देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट है सॉल्ट। नमक में आप देख सकते हैं मानसून में, बरसात में अक्सर हर किचन में, हर घर में दिक्कत आती है कि नम हो जाती है, नमी आ जाती है, तो इसको नमी से बचाने के लिए नमक के डब्बे में चावल आप डाल दें, कोई भी चावल, और थोड़ा सा मिक्स कर दें अच्छे से, और इसके बाद आप लिड लगा दें और आपका बढ़िया नमक एकदम बेहतर तैयार रहेगा, बिना नमी के एकदम बढ़िया से, और ढक्कन बंद करके कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, चावल। चावल हर घर में बनता है, रोज़ बनता है, तो चावल बनाने के लिए सबसे बढ़िया है आप चावल भिगो करके रखें और चावल में पानी डाल के कुकर में डालें, और थोड़ा सा जितना आपका, मैं बस 2 से 3 लोगों के लिए चावल बना रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल दें और मिक्स कर दें, चाहे तो थोड़ा सा नींबू हो तो नींबू भी डाल दें, और इसके बाद जब अपना चावल बनाएंगे तो वो बहुत ही फर, बहुत ही बढ़िया बनेगा और एकदम एक एक दाने अलग होंगे, बहुत खिला खिला चावल आपका तैयार होगा। ये है आटा। आटे चाहे बेसन हो, मैदा हो, या कोई भी किसी भी तरह का आटा हो, अगर आप उसमें तेज पत्ता डाल करके रखते हैं तो आपका आटा बड़े लंबे समय तक सही बना रहेगा। ये है लाइटर। लाइटर में बहुत दिक्कत आ जाती है मानसून में, जलते नहीं हैं आप देख सकते हैं जैसे, तो इसको या तो धूप हो तो धूप में दिखाएं आप तो बेटर है, बट बरसात में अगर धूप नहीं निकल रही है तो इस तरीके से आप कोई भी रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, गैस ऑन करते हैं, तो जब गैस अपना आप ऑफ कर लें तो थोड़ी देर के लिए लाइटर को उस बर्नर पर छोड़ दें, इससे आपकी लाइटर को थोड़ा गर्म हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो ये टिप्स थे, होप तो आपको पसंद आए हों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।